सो फिर एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। आज है हम लोग का डे 11 और हम लोग निकल रहे हैं चंद्रताल लेक के लिए। यहाँ से जो है 2 या 1.5 किलोमीटर बाइक कुछ दूर तक जाएगी, फिर 10 मिनट का वॉक है। तो ये कैंप साइट है, अगर चंद्रताल लेक के लिए आते हैं तो आपको यहाँ कैंप साइट पर रुकना पड़ेगा, फिर उसके बाद से वहाँ जा सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट आप घूम के बातल वापस हो जाइए, बातल में आप स्टे कर लीजिए। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में GS राइडर्स। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो पहले वहाँ चलते हैं, फिर वहाँ चल के आपसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ सुबह मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, रात में ठंड लग गई थी जिसकी वजह से सर दर्द था। बाकी सब लोग रेडी हैं, सामान यहीं पे है, घूम के आएंगे, 2 बाइक से जा रहे हैं, तब जाके सामान लोड करेंगे। स्नो पड़ जाती तब क्या होता? बाइक पे सामान लोड हो चुका है, अभी बज रहे हैं 12 और अब हम यहाँ से निकलने की तैयारी में हैं पूरी तरह से मनाली के लिए। मनाली पहुँचते ही हमारा स्पीति वैली सर्किट कंप्लीट हो जाएगा जैसा मैंने बताया। बस अब जैकेट वैकेट डाल के निकलना है, मैंने रेन सू कवर भी पहन लिया है क्योंकि रास्ते में 2-3 वाटर क्रॉसिंग मिलने वाली है, जैसा जो वो लोग उधर से आ रहे हैं उन्होंने बताया है, वीडियो भी दिखाया, काफ़ी बड़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग है। उम्मीद है गाड़ी उसमें ना फंसे और निकल जाए आराम से, बस जूते ही गीले हों। ये सौरभ मशक्कत करता हुआ रेन सू कवर पहनने के लिए। यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, तो अब निकलते हैं फटाफट मनाली क्योंकि हमें पहुँचते पहुँचते 7-8 तो बज ही जाएंगे। हम लोग यहाँ बादल में रुके हुए हैं लंच ब्रेक के लिए, मुश्किल से अभी हम लोग 1.5 किलोमीटर कवर किए हैं चंद्रताल से, तो क्योंकि इसके आगे अभी हम कंफर्म नहीं था हमें लंच कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं, 1 बज चुके थे। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है और यहीं पे हम लोग लंच कर रहे हैं अंदर, बाहर जितनी ठंड है अंदर उतना ही गर्म है। एक बार यहाँ से स्नो कैप माउंटेन्स का आपको व्यू देते हैं, ये रहा। हाँ, तो यहाँ पे हम खा रहे हैं दाल चावल।
रुकिए रुकिए आ रहे हैं। अच्छा नीचे उतर के किया जाए, नीचे उतर के किया जाए किसी दुकान पे। इधर से लेना, तो रोहतांग पे हम लोग नहीं रुके। चेहरे की हालत आप देख ही रहे हैं, ठंड से और धूल मिट्टी से बिल्कुल बदल सी गई है। रोहतांग पे ठंड ज़्यादा थी और पहले भी हम लोग रोहतांग पे रुक चुके हैं, तो इसलिए रोहतांग पे रुकने का बहुत ज़्यादा वो नहीं था। और भूख लगी थी तो वहाँ रुकते वहाँ कुछ मिलता भी नहीं है, तो एक दो फ़ोटो खिंचाई फिर वहाँ से निकल लिए।
आज हवा बहुत ज़्यादा थी और ऐसे ये पीछे दिख रहे हैं धुंध धुंध भी थी, तो पानी पानी हो रहा था हेलमेट के वाइज़र पे। और पिंटू भैया का जैसे जिक्सर में पीछे वाले पहिए में हवा पता नहीं क्यों निकल जा रही है, शायद पंचर है, उसे दिखाना है, तो वो भी एक जल्दी थी। बीच में एक जगह हम लोगों ने हवा भरा था, कहाँ पे हम लोग पिंटू हवा भरवाए थे इसका, रुके थे उसके पहले जो वो ढाबा पड़ा था छत्रु से पहले इसमें हम लोगों ने हवा डलवाया था, लेकिन फिर निकल गया। और अभी भूख जोर की लगी थी तो अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया वेज एंड चीज़ सैंडविच और कॉफ़ी, क्योंकि ठंड ज़बरदस्त है। नीचे जाने के बाद पता चलेगा कि मनाली में कैसा वेदर है। और तो चंद्रताल से रोहतांग है आपका 78 किलोमीटर, और हम लोग निकले थे 1:30 या 1 बजे निकले थे, और बीच में आधे घंटे लंच ब्रेक लिया था हम लोगों ने बताल के पास। उसके बाद से डायरेक्ट हम लोग आए हैं मढ़ी में, रुके हुए हैं रोहतांग के नीचे, रोहतांग से अराउंड 10 या 12 किलोमीटर नीचे। तो हमें टोटल लगे हैं यहाँ तक आने में 5.5 घंटे ना, लंच ब्रेक लेते हुए हम लोग को मढ़ी तक आने में लगे हैं 5.5 घंटे। और रोड्स कैसी थी, वाटर क्रॉसिंग कैसे मिली, वो सब रूम पे पहुंच के बताएंगे, क्योंकि यहाँ से जल्दी जल्दी फटाफट खाते हैं और निकलते हैं पहले मनाली में और होटल देखते हैं, फिर वहाँ पहुंच के बताएंगे। तो हम लोगों ने स्पीति राइड का अपना स्पीति वैली का पूरा सर्किट कंप्लीट कर लिया है, और वो भी अच्छी तरीके से, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और किसी की बाइक्स को भी कुछ नहीं हुआ, बहुत ही अच्छे से हम लोग की ये राइड कंप्लीट हो गई। आज हम लोग आ चुके हैं मनाली में और अभी होटल में हैं, और बज रहे हैं रात के 10, क्योंकि आने के बाद से थक गए थे, रेस्ट किए, फिर उसके बाद से नहा वहा के डिनर किया, डिनर के लिए कहीं बाहर भी नहीं गए थे, यहीं होटल में ही ऑर्डर कर लिया था। हम लोग रुके हुए हैं होटल माउंट व्यू, जो कि मनाली मॉल रोड के बगल से एक रोड गई है मेन मार्केट में ही, और मुझे क्लियर नहीं मालूम इसे कौन सा मार्केट कहते हैं, मतलब मॉल रोड जो है उसके बगल से रोड आई है, वहीं पे अंदर है, ओयो से हम लोगों ने बुक किया है इसे। सो हमें लगे हैं आज टोटल 7.5 घंटे, हम लोग 1 बजे निकले थे और 7:30 बजे तक मनाली आए। अब बात करते हैं रोड्स की, तो रोड्स थी ही नहीं। आप अगर काजा से चंद्रताल तक देखें, परसों जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था काजा से चंद्रताल तक भी रोड्स ख़राब थी, पर चंद्रताल से रोहतांग से 10 किलोमीटर पहले यानी 70 किलोमीटर चंद्रताल से 70 किलोमीटर रोड्स थी ही नहीं। और वाटर क्रॉसिंग, तीन बड़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग्स थी जिसमें 2 फीट तक पानी था और थोड़ा फ्लो भी था, बरसात में ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वैसे तो छोटे छोटे तो गिने भी नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग्स थे। तो खैर रेन सू कवर पहना हुआ था तो उससे बहुत ज़्यादा हम लोग के शूज़ में पानी गया नहीं, बहुत हल्का फुल्का पानी गया था, वो पता भी नहीं चला पानी है या नहीं है। तो अगर आप वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करते हैं तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आराम से उसको क्रॉस करिए, घबराइए मत, शूज़ गीले होने का डर मत रखिए, पैर हमेशा नीचे रख के आराम से धीरे धीरे उसको क्रॉस करिए, आप क्रॉस कर लेंगे, गिरने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि आपका दोनों पैर नीचे रहेगा। उसके लिए बेटर है या तो आप रेन सू कवर सिलवा लीजिए प्लास्टिक लेके बाहर से, या तो फिर आप खरीद लीजिए, खरीदेंगे थोड़ा महंगा पड़ता है पर वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उसमें नीचे सोल दिया होता है सू ग्रिप का। तो मैंने तो लिया था इग्नाइट का, स्टील बर्ड का था इग्नाइट, उसका रेन सू कवर लिया था, प्राइस मुझे अब इस समय याद नहीं, मैंने लद्दाख राइड में लिया था और पिछले 3 साल से वो यूज़ नहीं हो रहा था, इस राइड में वो यूज़ हुआ, वो भी लास्ट डे। बाकी रोहतांग से आपको रोड्स अच्छी मिल जाती हैं, तो थकान आज थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि रोड्स थे ही नहीं, वो बोल्डर थे, मतलब बोल्डर क्या बड़े बड़े पत्थर थे, काफ़ी देर तक हम लोग उसी पे चले हैं। बाकी आज का दिन हम लोग का D-11 यहीं ख़त्म होता है। अब एक तरह से देखा जाए तो स्पीति राइड का जो हम लोग का
टूर था वो यहीं ख़त्म हो जाता है। कल से हम लोग अपने घर के लिए निकलेंगे, तो अभी घर पहुंचने में 2 से 3 दिन लगेंगे, क्योंकि हम लोग का प्लान है कि कल हो सकता है हम लोग चंडीगढ़ तक ही खींच पाएँ, क्योंकि कल सुबह दोनों जिक्सर सर्विस करानी है, पिंटू भैया की भी और डॉक्टर मैंग की भी। और तो निकलते निकलते यहाँ से 1 बज जाएंगे, उसके बाद से हो सकता है हम लोग चंडीगढ़ या बिलासपुर तक ही रुक जाएं, क्योंकि लद्दाख वाले में यही हुआ था, बाइक सर्विस कराने के बाद से 1 बजे से निकले थे तो रात को 8-9 बजे तक बिलासपुर ही रुक गए थे। और फिर उसके ऐसे नेक्स्ट डे हम लोग का प्लान है दिल्ली क्रॉस कर लें बिलासपुर या चंडीगढ़ से, तो वृंदावन रुकेंगे, वृंदावन में दर्शन वर्शन करेंगे, उसके बाद से गोरखपुर के लिए निकलेंगे। तो गोरखपुर से अभी तक हम लोग की टोटल राइड हो चुकी है अराउंड छोटू 2100 किलोमीटर ना, 2100 या 2200 2140 किलोमीटर हम लोग की राइड टोटल अभी तक हो चुकी है। और ये मेरा बहुत दिन से मन था कि मैं स्पीति वैली का ये सर्किट कंप्लीट करूं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि राइडिंग मुझे अच्छा लगता है राइड करना, और ये एक वैकेशन नहीं है मेरे लिए, मुझे मतलब अंदर से अच्छा लगता है कि मैं बाइक से टूर करूं या बाइक से घूमूं। खैर इसमें तो सौरभ भी है, सौरभ को भी अच्छा लगता है, पर कभी कभी थोड़ा सा वो घबरा जाता है, और घबरा इन द सेंस कि मतलब जल्दबाजी कर देता है। बाकी पिंटू भैया तो मस्त हैं, उनका ऐसे ही चलता रहता है। सो डे 11 हमारा यहीं ख़त्म होता है, आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए दिन एक नए शुरुआत के साथ एक नई सुबह। टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट।